नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का, रसायन का किसे मिला है, इसके नामों की घोषणा हो चुकी है। तीन लोगों को नोबेल केमिस्ट्री का नोबेल मिला है। इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि इनको रसायन शास्त्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, आइए सभी चीजों को जानेंगे। ये हमारा आज का है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023। व्हाट आर क्वांटम डॉट्स? क्वांटम डॉट्स के लिए इन लोगों को नोबेल का पुरस्कार मिला है। आइए हम पूरी बातों को समझते हैं। नोबेल पुरस्कार का ऐलान क्वांटम डॉट्स की खोज करने वाले तीन वैज्ञानिकों को मिला यह सम्मान। क्वांटम डॉट्स की खोज करने वाले तीन वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल मिला है वर्ष 2023 का। नाम की घोषणा हो गई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स की खोज करने और संश्लेषण के लिए मौगीजी बावेंडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को रसायन विज्ञान में 2023 के नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। आज क्वांटम डॉट्स नैनो टेक्नोलॉजी के टूल बॉक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके टूल बॉक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा क्वांटम डॉट्स है। उसी के खोज और उसके संश्लेषण के लिए इन तीन लोगों को 2023 के रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन विज्ञान में 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता सभी नैनो वर्ड्स की खोज में अग्रणी रहे हैं। नैनो वर्ड्स, नैनो टेक्नोलॉजी के ये सबसे छोटे घटक अब टेलीविजन और एलईडी लैंप से अपनी रोशनी फैलाते हैं और कई अन्य चीजों के अलावा ट्यूमर सेल्स को हटाते समय सर्जनों का मार्गदर्शन भी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ट्यूमर हटाते समय सर्जनों का मार्गदर्शन करते हैं, एलईडी लैंप से रोशनी फैलाते हैं, टेलीविजन से रोशनी फैलाते हैं। अब आगे नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स का बहुत महत्व है। क्या महत्व है भाई? रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति यह सीखता है कि किसी तत्व के गुण इस बात से नियंत्रित होते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। हालांकि जब पदार्थ नैनो डायमेंशन में सिकुड़ जाता है तो क्वांटम फेनोमेना पैदा होता है। ये पदार्थ के आकार से नियंत्रित होते हैं, पदार्थ के आकार से ही नियंत्रित होते हैं, बड़ा होगा या छोटा होगा। रसायन विज्ञान 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने इतने छोटे कण बनाने में सफलता हासिल की है कि उनके गुण क्वांटम घटना से निर्धारित होते हैं। कण जिन्हें क्वांटम डॉट्स कहा जाता है अब नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। कण को क्या कहा जाता है? क्वांटम डॉट्स। अब आगे रसायन विज्ञान के लिए नोबेल समिति अध्यक्ष कौन से हैं? जोहान एक्विस्ट ने कहा कि क्वांटम डॉट्स कई आकर्षक और असामान्य गुण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके आकार के आधार पर उनके अलग अलग रंग होते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में एलेक्सी एकिमो रंगीन कांच में आकार निर्भर क्वांटम प्रभाव बनाने में सफल रहे। यह रंग कॉपर क्लोराइड के नैनो कणों से आया और एकिमो ने प्रदर्शित किया कि कण का आकार क्वांटम प्रभाव के माध्यम से कांच के रंग को प्रभावित करता है। उस समय जब यह बात हुई तो इन्होंने बताया कि जो क्वांटम है वो कांच के रंग को प्रभावित करता है। कुछ साल बाद लुई ब्रूस दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप से तैरते कणों में आकार निर्भर क्वांटम प्रभाव साबित किया था। आज की कक्षा की रसायन शास्त्र का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2023 का किसको देने की घोषणा हुई है? तीन लोग हैं जिन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की है। यह क्वांटम डॉट्स बहुत ही उपयोगी हैं। ये कण को ही, एक बहुत ही छोटे कण को ही क्वांटम डॉट्स कहते हैं। यह हमारी कक्षा आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।